नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटा डॉग। जब से रिलायंस जियो अपना जियो का सिम लॉन्च किया है उसके बाद से ही काफी हलचल मच गया है चारों तरफ। हलचल इन द सेंस लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो जियो सिम अभी फ्री में मिल रहा है 31 दिसंबर तक, जैसे आप सबको पता है वो फ्री है। आपका कॉलिंग फ्री है, SMS फ्री है, इंटरनेट यूसेज फ्री है, वो भी 4G डेटा फ्री है आपका। और उसके साथ साथ वो सिम अवेलेबल भी, मतलब अवेलेबल इन द सेंस लाइक अवेलेबल तो सब जगह पर है लेकिन वो मिलना काफी मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि उसको लेके बहुत लाइक लूट मची। इनफैक्ट शहर में भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बहुत लंबा लाइन है, एक्टिवेट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको लेके बहुत सारा बहुत कुछ चारों तरफ चल रहा है। खाली रिलायंस जियो नहीं, रिलायंस जियो जब से ये प्लान लॉन्च किया है, प्रीपेड है, पोस्टपेड है, 31 दिसंबर के बाद क्या होगा उसके बारे में भी कुछ अभी तक आइडिया नहीं आया है, कॉल जा रहा है नहीं जा रहा है। दूसरे जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है, स्पेशली आपका वोडाफोन है, एयरटेल है या आइडिया है, जो भी है, वो लोग या तो कुछ POI मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन जो होता है उसको लेकर थोड़ा इशू चल रहा है, या फिर आपका उनके जो रेट्स है उसमें थोड़ा कटौती कर रहे हैं, या फिर नए नए प्लान्स लॉन्च कर रहे हैं जियो से कम्पीट करने के लिए। तो आज ये टोटल जो जियो का जो नया अभी अपडेट्स है और जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स जितने भी नए प्लान्स अभी लॉन्च किए रिसेंटली, तो उसी के बारे में बात करेंगे। इसीलिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया जहां पर मैं पूरा चीज एक वीडियो में आपको बता सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला एक गुड न्यूज स्टार्ट करेंगे जो है आपका जियो फाइबर नेट, वो बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला, या फिर आप बोल सकते हो ऑलरेडी ये टेस्टिंग मोड में। काफी दिन से हम लोग सुन रहे थे ये जियो सिम के साथ जियो ब्रॉडबैंड भी इंडिया में ला रहा है और इसका स्पीड होगा आपका 1 GBPS। एग्जैक्टली आप सही सुने, इसका स्पीड होगा 1 GBPS। टेस्टिंग में लगभग पता चला है 700-750 MBPS का आपका डाउनलोड स्पीड है, अपलोड स्पीड वैसे ही 150-200 MBPS का ऐसा कुछ आया है। सो आप सोच सकते हो ये स्पीड कितना इम्प्रेसिव हो सकता है, या फिर जो होम बेस्ड इंटरनेट सर्विस में ये एक रेवोल्यूशन ला सकता है। हालांकि नया चीज नहीं, इंडिया में ये नया है लेकिन बाहर की कंट्रीज में ये बहुत दिन पहले से ही था। तो काफी दिनों से ये टेस्टिंग मोड में था। पहला जो टेस्टिंग मोड अभी स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका मुंबई और चेन्नई एरियाज में। जियो ऑफिशियली कुछ कुछ बड़े बड़े जितने भी कॉम्प्लेक्सेस है वहां पर उन लोगों को इन्वाइट किया है कि जियो का फाइबर नेट कनेक्ट फ्री में इस्तेमाल करवाने के लिए। उसके बाद वो टेस्टिंग मोड धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट करके सारा देश में वो लोग फैला देंगे। जैसे ये वायरलेस नहीं है, ये वायर्ड है आपका, जैसे आपका ब्रॉडबैंड है तो वायर आपके घर में आएगा, आपको कोई भी मोडम इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर आप कोई भी वाईफाई राउटर इस्तेमाल कीजिए, उससे आप फोन भी एक्सेस कर सकते हैं, PC भी एक्सेस करते हैं, कुछ भी जैसे आप इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। प्लान्स लगभग 300-400 रुपए से ऐसा कुछ स्टार्ट है, हालांकि ये कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। और ये जो अभी जो प्लान दिया जा रहा है ये आपका अगले 3 महीने तक फ्री होगा, मतलब वही पकड़ लीजिए 31 दिसंबर तक आपको ये फ्री रहेगा। मतलब 1 GBPS का पीरियड आप सोच ही सकते हो। तो उसके बाद से डिफरेंट वो चार्जेस क्या लगेगा नहीं लगेगा, या फिर अगर वो लोग अलग कुछ बॉक्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, या फिर केबल लिंक का इंस्टॉलेशन क्या चार्जेस है, उसके बारे में अभी तक कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं आया। तो आने से डेफिनेटली मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो जियो फाइबर बहुत जल्दी आ रहा है, ऑलरेडी अभी टेस्टिंग मोड में, सो इट्स ए गुड न्यूज। नेक्स्ट जो मेजर प्रॉब्लम भी जियो में चल रहा है वो है आपका कॉल ड्रॉप का। कॉल ड्रॉप का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, 4G वोल्टेज एनेबल सेट हो या फिर 4G एनेबल सेट्स हो, इसको लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। ये बेसिक जो मेजर प्रॉब्लम है विच इज POI, POI स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन। जैसे जब भी आप किसी को कॉल करते हो या फिर वो दूसरे कोई सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करते हो, डेफिनेटली वो लोग वो POI प्रोवाइड करेंगे तभी आपका कॉल जाके कनेक्ट होगा, नहीं तो वही बोलेगा इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है या फिर कॉल डज नॉट कनेक्ट, ऐसा अलग अलग आपका जो भी है नोटिफिकेशन वो लोग ओवर द फोन आपको मतलब IVR के द्वारा सूचित कर देते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन लेके बहुत सारे इशू है। रिसेंटली आपका रिलायंस ने ऑफिशियली उनके वेबसाइट में भी एक आई थिंक अनाउंसमेंट किया था, लाइक उनको पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन प्रॉपरली बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर से नहीं मिल रहे, इसको लेके ट्राई में बहुत सारा अलग अलग आपका मीटिंग्स हो लेकिन उसका 100% सोल्यूशन नहीं है। BSNL के साथ कुछ राय, रोमिंग फैसिलिटी लेके आइडिया ने बहुत सारा POI अभी रिसेंटली छोड़ा है तुम लोग के लिए, तो ऐसा सब कोई चाहते हैं कि POI छोड़े तो, लेकिन डेफिनेटली 100% अभी तक नहीं है। तो इसको लेके मेजर प्रॉब्लम भी चल ही रहा है, स्पेशली वोडाफोन के साथ चल रहा है, एयरटेल के साथ चल रहा है, जितने भी बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उसके साथ अभी भी ये प्रॉब्लम है। तो होपफुली ये प्रॉब्लम आई थिंक 31 दिसंबर तक अगर सॉल्व हो जाएगा डेफिनेटली तभी लोग सोचेंगे कि इस जियो सिम को उनके प्राइमरी सिम के हिसाब से इस्तेमाल करें, क्योंकि फॉर द टाइमिंग अभी
डेफिनेटली हम लोग तो नहीं सोच सकते कि जियो सिम को प्राइमरी सिम के हिसाब से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका कॉल जाना आना में बहुत मुश्किल हो रहा है। नेट ठीक ठाक है, लेकिन कॉल अगर जो मेन जो पर्पस है आपका फोन इस्तेमाल करने का कॉल, वो अगर नहीं होता तो डेफिनेटली इसको हम लोग सेकेंडरी सिम के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अभी फ्री ए सीरीज सबके इस्तेमाल कर रहे, तो अगर पैसा देके ये चीज इस्तेमाल करना पड़े अगर उसके बाद भी कॉल नहीं जाता है तो डेफिनेटली तब तो सोचने वाला बात होगा एग्जैक्टली क्या होगा, तो वो लेके एक इशू कंसर्न है। नेक्स्ट आपका इन्फॉर्मेशन है सेम जियो का ही। जियो का जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे जियो ऑलरेडी सोच रहा है, मतलब रिलायंस ऑलरेडी सोच रहा है कि ये जो सिम को लेके जितना लूट मचा चारों तरफ, तो उसको कैसे रोका जाए। जैसे एक दो छोटा छोटा प्रोसेस मैं आपको बता दूं, एक आपका मैनुअल केवाईसी होता है, अलग टा आपका ई केवाईसी होता है। सो मैनुअल केवाईसी में क्या होता है, आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, एक कॉपी डॉक्यूमेंट्स आपको जमा देना पड़ता है, उसके बाद आपको एक फोटो देना पड़ता है, वो मैनुअली वो लोग अपलोड करते हैं, फिर जाके आपका सिम एक्टिवेट होता है। आइदर तक दूसरा ई केवाईसी प्रोसेस किया, आप कोई भी स्टोर पे जाते हैं लोकल आपका स्टेट के अंदर, जिस स्टेट का आपका आधार कार्ड है नॉर्मली, क्यों उस स्टेट का होना चाहिए मैं अभी आपको बताऊंगा। वहां पर जाना पड़ेगा, वो आधार कार्ड नंबर लेंगे, सिस्टम में पुट करेंगे, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग करेंगे, आपका वो कोड का स्कैन कर लेंगे, उसके बाद आपका लगभग कोई 10-12 घंटा, 3-4 घंटा, किसका 15 मिनट में भी एक्टिवेट हो गया। मेरा लगभग कोई लग गया था 7-8 घंटे के बाद मेरा सिम एक्टिवेट हो गया था, उसके बाद मैं कंटिन्यू इस्तेमाल कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने पुराना दो सिम लिया था केवाईसी, मतलब नॉर्मल केवाईसी प्रोसेस में, वो सिम अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। जो मैनुअल सिम मैंने लिया था, डेफिनेटली मैनुअल केवाईसी फॉर्म फिलअप करके, वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। तो बेसिकली ये क्या होता है, मैंने जब रिलायंस स्टोर मैनेजर से बात किया तो वो लोग ये बोले थे कि अगर आपका कोई भी इंटर्न, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल से, अगर वेस्ट बंगाल स्टेट का इशू किया हो आपका आधार कार्ड है, डेफिनेटली वो लोग इंस्टेंटली कर देंगे, लेकिन दूसरे अगर स्टेट का है तो वो लोग नहीं कर पाएंगे, तब उनको मैनुअल आपका केवाईसी के द्वारा ही आपको सबमिट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी एक्चुअली उन लोगों का रश इतना ज्यादा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट के लोग हैं या फिर उनका ऑफिशियल लोग, सबको ये भी सेल्स में बिजी हो गया, तो बैकएंड में जो आपका कैफ अपलोडिंग का काम चल रहा है वो काफी डिले हो गया, इसके वजह से 15-20 दिन हो गया फिर भी उन लोगों का सिम एक्टिवेट नहीं हुआ। तो ये आप ध्यान में रखिए, केवाईसी के द्वारा ही लेने का कोशिश कीजिए अगर आप सिम लेते हैं तो। सो विच इज ए वेरी गुड थिंग। सो ये वाला प्रोसेस तो है ये डेफिनेटली, लेकिन जैसे मैंने बता रहा था जो लूट मचा चारों तरफ, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो प्लानिंग कर एक नया वेबसाइट या फिर जो भी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है जियो का, उसमें ही एक ऑप्शन डालेंगे जहां पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर जियो सिम, और आपको होम डिलीवरी मिल जाएगा उस जियो सिम का। इससे डेफिनेटली बहुत सुविधा क्या होगा, इतना लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, वहां पर हो सकता है आपको स्कैन करके सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़े, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, उसके बाद शायद वो आपका होम डिलीवरी वो सिम हो जाएगा। कितना टाइम होगा, कब होगा उतना पता नहीं, या फिर ये कब लॉन्च होगा वो भी पता नहीं, लेकिन ये लगभग एक कंफर्म न्यूज है, कंफर्म सोर्स से पता चला है कि ये बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि रिलायंस जियो सिम का मतलब जो आपका डिमांड है वो काफी 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 ज्यादा है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हो सकता है। नेक्स्ट आपका और एक इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपको पता है अगर आप लाइफ हैंडसेट्स खरीदते हैं तो डेफिनेटली आप उसके साथ एक सिम मिल सकता है, डेफिनेटली आपको सिम मिलेगा, यू एलिजिबल फॉर ए सिम, लेकिन ये ऐसा कोई डेडिकेट नहीं कि लाइफ हैंडसेट के लिए आपको सिम मिलेगा। कोई भी आपका 4G एनेबल हैंडसेट है, डेफिनेटली उसके आपको उससे आपको जियो सिम मिल जाएगी, और आप अगर ऑनलाइन खरीदते हैं डेफिनेटली उससे भी मिलेगा। सबको एक्चुअली ये सब प्रोमो कर रहे हैं कि जियो सिम बंडल ऑफर, एक्चुअली बंडल ऑफर कुछ नहीं, आपको सिम तो साथ में आता है नहीं, अगर वो हैंडसेट आप लेते हैं आप कोड जनरेट करते हैं उसके बाद ही आपको सिम लेना पड़ता है। आइदर दैट ऐसा नहीं कि बंडल ऑफर के साथ मिलता है, जैसे फ्लिपकार्ट में बहुत सारा ऑफर, एयरटेल ऑफर, वोडाफोन ऑफर था, तो बहुत बार शामी सेट के साथ मुझे भी एक दो बार एयरटेल या वोडाफोन का सिम मिला था, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिम लेने के लिए डेफिनेटली आपको कोई भी हम लोग रिलायंस डिजिटल स्टोर पे जाके वहां से आपको सिम लेना पड़ेगा, नॉर्मली तो आपको सिम मिलने वाला है नहीं, वो 4G एनेबल हैंडसेट चाहिए तभी आपको मिलेगा। बंडल ऑफर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट करता है, वो जियो को जियो जैसे अभी ट्रेंडिंग न्यूज में प्रमोट करने के लिए सबको ऐड दे रहा है जियो बंडल ऑफर, बस सिंपल लाइक दैट। ईबे से जैसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, ईबे से जो लोग फोन खरीद रहे हैं उसको बंडल ऑफर नहीं मिलेगा। देखिए जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, या फिर मैं आज फिर से रिलायंस डिजिटल स्टोर पे गया था, उससे मैनेजर से बात किया तो उन्होंने सिंपल बात बोला, देखिए आप लाइफ का फोन है, कोई भी फोन है आपका, अगर वो 4G एनेबल फोन है आप कोड जनरेट करते हैं हम लोग सिम दे रहे हैं, सिंपल लाइक बात है, और डिफरेंट कुछ नहीं है। वो फ्लिपकार्ट से करी तो ईवे से करी तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आपका इन्फॉर्मेशन है, काफी सीरियस इन्फॉर्मेशन है। जैसे हम लोग सब कोई सोशल नेटवर्किंग साइट इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम लोग कोई भी चीज मतलब जहां पर हम लोग डेटा का आदान प्रदान होता है, हो सकता है हम लोग इंटरनेट बैंकिंग करें, हो सकते हैं हम लोग आपका व्हाट्सएप करें, फेसबुक करें, सब में हमारा पर्सनल डेटा होता है, वैसे ही जियो का कुछ कुछ ऐप है ऐसा पता चला है। एनोनिमस आपका एक हैकर कम्युनिटी है, वो लोग पोस्ट किया है कि
हो सकता है जियो का जितना भी हम लोग एप्लीकेशन इस्तेमाल करके कॉल करें या फिर एसएमएस करें वो डेटा सिंगापुर में ट्रांसफर हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, डेफिनेट उसका क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक प्रोसेस बताया जिस प्रोसेस से हम लोग उसको वैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन गैजेट 360 से पता चला वो लोग वो प्रोसेस अप्लाई करके देखे विच डजेंट वर्क एट ऑल। सो हालांकि ये कितना सही है कितना गलत है, लेकिन जो भी चीज़ है आप अपना डेटा हमेशा सिक्योर रखो। ऑनलाइन कभी भी आप चले जाते हो तो वो बहुत मुश्किल होता है, आपको खुद भी पता नहीं चलता वो डेटा सिक्योर है कि नहीं। जैसे रिसेंटली फेसबुक व्हाट्सएप को लेके बहुत सारा चला था कि आप अगर इस्तेमाल करेंगे डेटा शेयर हो जाएगा तो वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हुआ था उसको लेके, शायद कुछ बैन भी आ गया अभी कोर्ट से। सो ऐसा बहुत सारा चीज़ चल रहा है, तो जो भी अपना डेटा आप सिक्योर रखो। ये हालांकि 100% ऑथेंटिक मतलब इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हैकर से कम्युनिटी है वो लोग ये चीज़ पब्लिश किए हैं, ऐसा हो रहा है डेफिनेटली। अभी जो हायर अथॉरिटीज है वो लोग डेफिनेटली इसमें काम करेंगे, या फिर रिलायंस जो डेफिनेटली उसके ऊपर काम करेगा कि हालांकि ऐसा चीज़ ना हो। फॉर द टाइम बीइंग कीप सेफ, अपना डेटा डेफिनेटली हमेशा सेफ रखो, दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग, वो रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका अगर देखा जाए, मेरा जो एक्सपीरियंस है लास्ट कुछ लगभग 15-20 दिन हो गया मैं जियो का सिम इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इन टर्म्स ऑफ 4G आपका लाइक टावर हो या फिर आपका 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी सब कुछ ठीक है, लेकिन कॉलिंग के लिए डेफिनेटली मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि कॉलिंग मैक्सिमम टाइम आपका नहीं लग रहा है। एयरटेल ने आपका एक नया ऑफर लॉन्च किया विच इज 1495 एक्चुअली एयरटेल का जो ऑफर है 1495। अगर कोई ये प्रीपेड डेफिनेटली ऑफर है, अगर कोई एग्जिस्टिंग यूजर है डेफिनेटली वो 1495 रिचार्ज कर सकते हैं, अगर कोई नया जो एयरटेल का सिम ले रहा है वो FRC जो फर्स्ट टाइम रिचार्ज होता है वो 1495 आपको करना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट आता है इसका बेनिफिट, इसका वैलिडिटी होगा आपका 90 डेज के लिए, मतलब 3 महीने के लिए, तो हर महीने लगभग कोई 500 रुपए के आसपास पड़ता है। इसमें आपको 30 GB तक का आपका 4G डेटा मिलेगा हर महीने, हर महीने आपको 30 GB 4G डेटा मिलेगा। अगर आप 30 GB 4G डेटा आपका खत्म हो जाता है उसके बाद आपका स्पीड होगा 64 KBPS, मतलब 4G से आपका रिड्यूस होगा 64 KBPS 30 दिन तक रहेगा, फिर 30 डेज बाद आपको फिर से 30 GB मिलेगा 64 KBPS, उसके बाद फिर से 30 GB, ऐसा 3 महीने तक आपको मिलेगा, मतलब टोटल आपको वही 90 GB तक आपको 4G डेटा मिल रहा है। सो कॉलिंग वॉलिंग का इसमें कुछ ये नहीं है, खाली डेटा के लिए कॉलिंग वॉलिंग फ्री है कि नहीं वैसा कुछ नहीं पता, आई थिंक कॉलिंग नहीं, उसके लिए डेफिनेटली आपको अलग से रिचार्ज करना होगा, दिस इज ओनली फॉर डेटा रिचार्ज। तो ये एक ऑफर एयरटेल ने लॉन्च किया, तो डेफिनेटली अगर आप एयरटेल के यूजर्स हैं तो आप ही बता पाएंगे कि एग्जैक्टली विच इज इट इज हेल्पफुल और नॉट, अगर उसमें कटौती। मैं मुझे एयरटेल के उतने ऑफर्स के बारे में पता नहीं, लेकिन ये ऑफर भी वैसा ही कुछ अभी 40-50 रुपए का आपको पर जी भी पड़ता है, तो अगर आप इंटरेस्टेड डेफिनेटली यू कैन हैव ए लुक ऑन दिस। ये ऑफर बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुआ, 2-3 दिन पहले लॉन्च हुआ आपका। गुड न्यूज है ये आपका जियो का चक्कर में, अभी जैसे मैंने बताया आपका सभी जो भी टेलीकॉम इंडस्ट्री है जो भी जितने सर्विस प्रोवाइडर्स अपना रेट कम कर रहा है, वोडाफोन अपना पोस्टपेड ने थोड़ा बहुत रेट कम किया है। जैसे उसका पहला जो रेट था आपका पोस्टपेड ने, जब भी आप डेटा इस्तेमाल करते थे 2 GB के लिए आपको देना पड़ता था लगभग 450 रुपये, अभी वो देना पड़ेगा आपको 350 रुपये, लगभग 100 रुपये आपका कम हो गया, और जो 3 GB के लिए 650 रुपये था वो लगभग 450 रुपये हो गया। तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा है, ऐसे और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, मैं एक खुद दो आपको बताया, तो वो प्लान भी अगर आप चेक कर सकते हैं इफ़ यू आर अ वोडाफोन पोस्टपेड यूजर, डेफिनेटली इट इज़ गुड फॉर यू, ये न्यूज़ काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आप देखा ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, मैंने जितना भी आपका जियो के या फिर उसके पास आसपास जितना भी घटनाएं घट रही है अभी जियो को लेकर, उसको लेकर मैंने एक समिट बनाया, तो उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया। होपफुली इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको और भी कुछ जानना है जियो के बारे में या फिर अगर कुछ भी चीज़ रिलेटेड टू दिस वीडियो, तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू डेटा डॉग फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट। यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर आल्सो व्हिच इज twitter.com/datadog15, और यू कैन लाइक आवर फेसबुक पेज आल्सो व्हिच इज facebook.com/datadog। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए क्योंकि आप लोगों का हेल्प हम लोग आगे जाने में बहुत मदद करती है। सो अभी तक के लिए इतना ही, दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटा डॉग, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।